कि जब राहुल गांधी जी बोला करते थे भारत की सरहद के अंदर चाइना घुस रहा है तो मजाक उड़ाते थे, तो अमेरिका ने भी बोला कि चाइना अंदर घुस गया है। उस वक्त में धर्म की राजनीति करते हैं, उस वक्त में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जब लोग इनसे सवाल करते हैं कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, तो जब ये सवाल लोग करते हैं तो इस तरीके की हरकतें करते हैं। राजेश लिलोटिया जी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों वो एकजुट हुए थे, किस तरीके से पुलिस फोर्स उनके लोगों को डिटेन करके ले गई, आखिर इसकी वजह क्या थी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का कत्ल किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, उसके विरोध के अंदर कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे अपने नेता राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के साथ में खड़े हैं। आज जब उनको ईडी के ऑफिस में एक मैन्युफैक्चर्ड केस के तहत उनको वहां पर बुलाया गया, जबकि वो 8 साल से ज़्यादा पुराना केस है, आज तक उसके अंदर कोई इनको कोई मुद्दा नहीं मिला, कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं मिले जिसके ऊपर उस केस को आगे चलाया जाता। वो केस बंद हो चुका है, लेकिन बंद केस को दोबारा से इसलिए उठाया गया कि जब राहुल गांधी जी बोला करते थे भारत की सरहद के अंदर चाइना घुस रहा है तो मजाक उड़ाते थे, अब अमेरिका ने भी बोला कि चाइना अंदर घुस गया है। आज डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, उन सब चीज़ों का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने एक नया मुद्दा लिया और नया मुद्दा ये लेकर ईडी को आगे कर राहुल गांधी जी की उस मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं जो दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसकी आवाज़ उठाते हैं। संविधान को जब ये ख़त्म करने की बात करते हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, तो जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी उसकी आवाज़ उठाते हैं तो ध्यान बांटने के लिए डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी एक सोची समझी बहुत क्या बोला जाए षड्यंत्र भरी राजनीति है। तो आपका कहने का मतलब है कि विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने के लिए वो तमाम एजेंसियों का डर बिठा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने बोला अनडेमोक्रेटिक एक सिस्टम है उनका, असंवैधानिक तरीके से ये अपने मशीनरी को, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये जो हिटलर शाही वाले अंदाज के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, दिल्ली के लोग, देश के लोग इस चीज़ को पहचान चुके हैं कि ये सिर्फ उस वक्त में धर्म की राजनीति करते हैं, उस वक्त में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं जब लोग इनसे सवाल करते हैं कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, तो जब ये सवाल लोग करते हैं तो ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। आपने एक बात बोली थी कास्ट एट्रोसिटी पे कि दलितों के हितैषी हैं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों के साथ काफ़ी अत्याचार होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अत्याचार पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और अत्याचार होता रहेगा, ये इस तरीके की व्यवस्था है। लेकिन सवाल यह है कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो उसके ऊपर कार्रवाई कैसे कर रहा है। आप अगर कांग्रेस के शासित जो प्रदेश हैं, राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में अगर कोई एट्रोसिटी हुई तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हुई, जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ मुकदमा बना। कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोषी का साथ सरकार दे रही हो। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, उसको जला दिया जाता है, तो वहाँ का प्रशासन खड़ा होकर ये दावा कर रहा होता है कि उस बच्ची के साथ में बलात्कार नहीं हुआ। तो समझना ये है कि इनकी जो सोच है वो दोषियों के साथ है, इनका ये हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो बलात्कारी हैं। इनके खुद की पार्टी के विधायक, मंत्री बलात्कारी के अंदर लिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे होते हैं, लेकिन ये उनका साथ देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उन लोगों की आवाज़ बनते हैं जिनकी आवाज़ को दबाने का काम आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लेकिन आप सर कैसे लड़ पाएंगे, आपके लोगों को तो डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस। देखिए, ये सत्याग्रह है और हमने ये सिर्फ AICC के हेडक्वार्टर पे नहीं, पूरे देश भर के कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पे, कांग्रेस की जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वहाँ पर, कांग्रेस प्रदेश कमेटी है, उन लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, अपनी आवाज़ उठाई है कि ये जो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता
संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो लोग बीजेपी के डर से घर में खामोश बैठे हैं? देखिए, डरने से कुछ नहीं होगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप देखिए कि देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस के लोगों ने संघर्ष किया, जेलों में गए और कुर्बानियाँ दी। आज वही माहौल दोबारा से है कि देश को गुलाम बनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा। कांग्रेस के लोग सड़कों पे उतरे हैं, देश को गुलाम नहीं बनने देंगे। ये आर्थिक गुलामी करना चाहते हैं, राजनीतिक गुलामी करना चाहते हैं, मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, धार्मिक रूप से तो गुलाम बना ही रखा है इन लोगों ने। लेकिन लोगों से अपील ये करना चाहते हैं कि आप सड़कों पे उतरिए, कांग्रेस का साथ दीजिए। कांग्रेस इस तानाशाह सरकार को नीचे उतारने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जो सरकार धार्मिक उन्मादों में उलझाने की कोशिश कर रही है, लगातार हिंदू मुसलमान कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा अफसोस की बात है जी। उसमें पार्टिसिपेट करने वाला बहुजन समाज के ही लोग है, SC/ST माइनॉरिटी समाज से ही लोग हैं। मैं बिल्कुल इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि SC/ST OBC और माइनॉरिटी कभी भी RSS और भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं हो सकते हैं। इनके साथ में सिर्फ वो लोग हैं जो मनुवादी लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, वो लोग RSS के साथ और BJP के साथ होंगे। जो SC/ST माइनॉरिटी है, उसके वो लोग बिल्कुल भी कतई भी RSS और BJP की विचारधारा के साथ में अपना तालमेल नहीं रख सकते। जो संविधान हितैषी नहीं है वो मनुवादी हैं। बिल्कुल, 100%। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने। धन्यवाद।